खड़े खड़े ये बाइक गिर गई, इसका लीवर टूट गया, कंपनी फिटेड लेग गार्ड, बाइक का वेट नहीं संभाल पाया। आई एम गेटिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग विद अ ब्रोकन क्लच लीवर। तो ये इसका अपने हंटर के लिए क्लच लीवर। ये क्लच वायर हार्ड है ना, इसको ऑयलिंग करो निकालो। क्लच वायर ही हार्ड है? बहुत हार्ड है क्लच वायर। फिर अभी भी हमारे पास में एक और भैया है जो हंटर लेके आए हैं, और लुक एट द टायर हियर। सो यस, एज अ वे सेइंग कि अगर आपका बाइक का क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ये चीज़ करवा के देख लेना। तो अपने सामने एक विंटेज रॉयल एनफील्ड खड़ी है यार, उल्टे गियर वाली, बहुत कम देखने को मिलती है आज के टाइम पे। सो राइट नाउ आई एम इनसाइड द एनफील्ड शोरूम, एंड ये अपने सामने खड़ी है नई वाली स्टैंडर्ड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार अगर आप एक राइडर हो तो इस बात से अच्छे से रिलेट करोगे कि हमारी बाइक्स हमारे लिए बहुत प्रेशर्स होती हैं, बहुत कीमती होती हैं, और ये एक नाइटमेयर से कम नहीं होता है कि यार अगर आपकी बाइक किसी क्रैश में इन्वॉल्व हो जाए या फिर कुछ उसमें डैमेज हो जाए। हम अपनी बाइक को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, लेकिन हर चीज़ हमारे कंट्रोल पर नहीं होती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। ये है मेरी बाइक इस वक्त, और वैसे तो ये भी स्टैंड स्टिल में खड़ी दिख रही है, लेकिन खड़े खड़े ये बाइक गिर गई, एंड इसका लीवर टूट गया, इसका लेग गार्ड बेंड हो गया, और जो मैंने लेटेस्ट इंस्टॉल किया था फुट रेस्ट, ये भी अंदर पे चेक गया। तो असल में जब मेरी बाइक गिरी, इसने फॉल लिया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है, कंपनी फिटेड लेग गार्ड, बाइक का वेट नहीं संभाल पाया। तीसरी चीज़ ऑफकोर्स यार, मेरा ब्रेक लीवर टूट गया, और ये बिल्कुल टूटा वहीं से है जहाँ पे ये पॉइंट दिया है, यहीं से ये ब्रेक इसका टूट चुका है। ये अगर पॉइंट थोड़ा और यहाँ आगे तरफ होता तो यूज़ करने में और इजी हो जाता टूटे लीवर को भी। तो यार अच्छी बात ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है इसको ठीक कराने के लिए चल रहे हैं सर्विस सेंटर की तरफ, और बाकी चीज़ों के बारे में आपसे बात करते हैं चलते चलते। All right everyone, so we are heading to Royal Enfield showroom now. एक चीज़ तो अच्छी हो रही है, आई एम गेटिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग विद अ ब्रोकन क्लच लीवर। एक तरीके से मुझे ये एक लेसन भी दे रहा है कि यार कभी भी लंबी राइड पर निकलो तो एक क्लच लीवर एक्स्ट्रा अपने साथ लेके चलो। दूसरी चीज़, मैं इस बात से थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि कहीं हैंडल बार ना मुड़ गया हो, और अभी मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हैंडल बार मुड़ने की। ऑल राइट, सो हम पहुँच चुके हैं, वी आर हियर। इसमें एक तो क्लच लीवर गया इसका, इसको फिक्स करना यार, और ये बेंड हो गया, इसको देखना। और एक चीज़ हो रहा है, ये देखो, ये फुटरेस्ट लगाया था मैंने, ये थोड़ा उधर को खिसक गया है, इसको भी थोड़ा यहाँ को करना है, देख लो यार। हो गया ओके, तो लेग गार्ड हो चुका है सही, भाई ने एकदम खींच के सेट कर दिया इसको, ये तो ऐसे ही हिल जा रहा है यार, देखो क्या ही करें। अंदर से यार वो पछड़ी मुड़ी हो। तो ये इसका अपने हंटर के लिए क्लच लीवर, 170 रुपीज़। ठीक है भैया, लगा दो यार इसको। भैया पहले क्लच लूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बिना क्लच लूज लगाए डलेगा कहाँ से, वायर निकलेगी। अगर रॉयल एनफील्ड वाले ना इसको ना थोड़ा सा इस तरफ कर देना तो यार पूरा आधा नहीं जाता, काम चल जाता, काम चल जाता मेरा। क्लच वायर भी रखना चाहिए एक्स्ट्रा इसके लिए। सो लेना मैं पूरी ये क्लच वायर हार्ड है ना, इसको ऑयलिंग करो निकालो। क्लच वायर ही हार्ड है? बहुत हार्ड है क्लच वायर, ऑयलिंग कर देते हैं। अरे मेरे फोरआर्म्स बन गए, दिक्कत आ जाएगी। तो गाइस एक नई चीज़ समझ में आई है, अगर आपके बाइक का क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है तो हो सकता है कि उसके अंदर सफाई की ज़रूरत है। तो भैया भी यही कर रहे हैं। फिर अभी भी हमारे पास में एक और भैया है जो हंटर लेके आए हैं, और लुक एट द टायर हियर, एकदम ही भाई ने प्रोफाइल चेंज करके रख दिया है। ₹3700 का सही लग रही है यार। पहले मुझे ये वाला कलर पसंद था, बट फिर मैंने इसी पे आया मैं। ये कलर ज़रा अच्छा लगता है। हाँ मस्त लग रही है। अरे नहीं ओल्ड बस हो गया, ये लुब्रिकेशन हो रहा है। डीजल डालो, डीजल थोड़ा, ये ऑयल डालो थोड़ा सा डीजल। सो यस, एज अ वे सेइंग कि अगर आपका बाइक का क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ये चीज़ करवा के देख लेना, हो सकता है इसी की ज़रूरत है आपके बाइक के क्लच को। बारिश
ठीक है चाहिए। ओके सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेट्स सी कितना फर्क पड़ा है। माय गॉड सच में यार काफ़ी फर्क पड़ गया, मतलब बहुत ही, अब तो मतलब दो उंगलियों से मैं कैसे कर सकता हूँ यार। बाइक क्लच अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, सच में पहले काफ़ी हार्ड था यार इसके हिसाब से, तो फिर अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो यार अगर आपके पास में हंटर है और क्लच हार्ड है ना, तो सच में ये ट्राई करके देखो, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सच में मक्खन हो गया इसका क्लच अब। बस 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 ठीक है, ठीक हो गया यार। एक बार अब चेक कर लेते हैं कि इसके हैंडल में तो कोई इशू नहीं आया है। अपने सामने एक विंटेज रॉयल इनफील्ड खड़ी है यार, उल्टे गियर वाली, बहुत कम देखने को मिलती है आज के टाइम पे। क्या हो गया भैया, कुछ है क्या इसमें? तो यार भैया बोल रहे हैं कि इसमें एग्जॉस्ट की नॉइज थोड़ी सी फटी फटी से आ रही है। ओके तो यार आज बहुत सारी बातें पता चल रही है अपने हंटर के बारे में जो मुझे खुद पहले से नहीं पता थी। सो राइट नाउ आई एम इनसाइड द इनफील्ड शोरूम एंड ये अपने सामने खड़ी है नई वाली स्टैंडर्ड लाइक द जी सीरीज इंजन। और यहाँ पे मुझे हेलमेट पसंद आया है वन डे। खैर अपना काम हो चुका है और हम घर की तरफ चल रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्लच में यार सच में भाई ने जादू कर दिया है, कितना स्मूथ ये क्लच हो चुका है ना। और दूसरा भाई ने एग्जॉस्ट पाइप पे भी कुछ काम किया जिसकी वजह से अब इसका साउंड और ज़्यादा क्लीन आ रही है। तो यार मेरा आना यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, मैं तो सिर्फ एक क्लच लीवर ठीक कराने के लिए आया था, भाई ने मेरा पूरा का पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस बदल दिया। ये मैंने पहले करा लेना चाहिए था, लेकिन कराता भी कैसे यार मुझे पता ही नहीं था। Hi everyone, so I'm home now and time to wind up this vlog. I hope ye video aapko pasand aaya hoga, informative laga hoga. Laga hai, you know the drill. Zarur yaar subscribe karna and don't forget to like. All right everyone, with that being said, let's just wind up this video. Dream big, fight for it. Abbas.